माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक घोषणा की थी कि पर्यावरण मित्रों को जो मानदेय प्रतिदिन जो पहले 300 रुपये था से नगर पालिका 500 रुपये है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्देशों का पालन करते हुए वहीं पर्यावरण मित्रों की इस समाज के प्रति हमारे नगर के प्रति जो महत्वपूर्ण भूमिका है और लगातार जो सफाई से लेकर हर काम को नगर साथ करते हैं, तो उनकी आज यहाँ पर सैलरी 500 रुपये प्रतिदिन कर दी गई। और बोर्ड की बैठक में आज कई प्रस्ताव ऐसे थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जैसा इस समय सबसे ज़्यादा शहर के अंदर कोई परेशानी का सबब बना हुआ नशा बना, तो नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए कई बार डिप्रेशन में युवा नशा करने लगते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास हालात ठीक नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में हमारे शहर में कई युवा ऐसे हुए जिन्होंने कई हालातों के बाद भी देश में प्रदेश में अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो उसी कड़ी में जहां हम नगरपालिका मैदान में प्रेरणा दीवार बनाने जा रहे हैं जिसमें नगर के युवा चाहे फौज में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो हॉलीवुड के क्षेत्र में हो, चाहे फिल्मी लाइन में हो, चाहे दूरदर्शन, चाहे वो टेलीविजन पर आ रहे हो, तो हर क्षेत्र में यहाँ के युवा नाम रोशन करें, ऐसे युवाओं पर प्रेरणा दीवार लगाई जाएगी। वहीं आज नगरपालिका का एकमात्र जो खेल मैदान था वो खेल मैदान हमारी अपनी भावना थी, खेल मैदान किसी हमारे खेल प्रेमी के नाम पर होना चाहिए, तो आज हमने अपने बड़े भाई जो हमारे भवानी की आन और शान और मान है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया और कई ऐसी चोटियां फतह की है इस छोटे से भवानी शहर का, इस स्थान में मैं खड़ा हूँ जहाँ से बड़े भाई सुबोध चंद्रा जी लगातार इस बर्मा टॉप पर ट्रैकिंग किया करते थे और इस छोटे से शहर से निकलकर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एवरेस्ट फतह किया, एक बार नहीं दो बार और कई माउंटेन फतह किए, तो भवानी नगर पालिका मैदान उनके नाम से एवरेस्ट विजेता सुबोध चंद्रा जी के नाम से हमने किया। और उसी के साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य विभाग में हमने जो पार्क बनाया है उस पार्क को हमने डॉक्टर बी एल शाह जी, बसन लाल शाह जी, बसंत शाह के नाम से लोगों ने जानते थे जो हमारे बीच में नहीं है, तो अस्पताल का नाम हमने बी एल शाह जी के नाम से रखा है। वहीं अस्पताल में कोरोना काल में जो पार्क बना हुआ है हमारे कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीजों की, तो ऐसा पीरियड था हमारे ऐसा भयावह समय था कि कोरोना में भाई भाई को नहीं देख रहा था और सामाजिक दूरियां काफी दूरियां बढ़ चुकी थी, ऐसे में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान में जोखिम में डालकर और कई स्वास्थ्यकर्मी हमारे बीच में आज नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां पर एक शिलापट लगाई जाएगी जिसमें सीओ नैनीताल से नैनीताल जनपद में ऐसे स्वास्थ्यकर्मी चाहे डॉक्टर चाहे फुलकाम चाहे नर्से हो जिनका इस सेवा काल में कोरोना में सेवा करते हुए देहांत हुआ, उनके शिलापट के वहां पर लगाया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसी के साथ साथ हम एक जीजीआईसी ग्राउंड के पास एक अमृत सरोवर बनाया जा रहा है और जो रिचार्ज का काम करेगा वो सरोवर के समीप भी हमारे इस शहर के सबसे महान समाज सेवी चाहे कोई भी हो जिसको भी समाज सेवा का रास्ता उन्होंने दिखाया होगा, चाहे रंगकर्म हो चाहे धार्मिक काम का रास्ता दिखाया होगा, सचिदास शाह जी जो हमारे बीच में नहीं है, तो उस अमृत सरोवर का नाम हमने अपने स्वर्गीय सचिदास शाह जी चचा के नाम से उस अमृत सरोवर का नाम करने का भी काम किया। इसी के साथ साथ आए गए और कई विकास कार्यों के भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए और हमने आज जो हमें बड़ी खुशी है इस शहर में जो 2011 से लेकर सहरेश भगोली जी से शुरू हुआ था जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने ये पहल की थी लकड़ीटाल में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसके लिए 11,20,00,000 रुपए की कल निविदा भी जारी हो चुकी है कुमारगंज विकास निगम से धीरज गरवाल जी और माननीय धीरज गरवाल जी जब से जिलाधिकारी के तौर पर नैनीताल आए उन्होंने लगातार पहल के बाद आज हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसे 11,20,00,000 रुपये स्वीकृत किए और जो हमारे विभाग के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी उन दोनों का ही आभार व्यक्त किया और खास तौर पर जिला प्रशासन का अपने जिलाधिकारी डेजवाल जी का भी विशेष धन्यवाद यहाँ पर गया कि जो आज भवाली के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी थी पार्किंग तो एक रोड स्टेशन पर ही बनती है मगर उससे भी महत्वपूर्ण पार्किंग जो लोगों की अपनी आम राय थी कि लकड़ीटाल की जो जर्जर भूमि है जो यहाँ पर लगातार अतिक्रम की चपेट मारी इस भूमि पर एक पार्किंग बने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने जो शहर का हृदय कहूंगा हार्ट कहेंगे वो था, तो उस पर भी मुझे लगता है मुझे जैसा अभी जानकारी प्राप्त हुई कि अगले महीने से उसमें काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी अब मैं इससे कहूंगा लोग इसको राजनीति जोड़ेंगे, मेरा बाल्यकाल में ही मैं ये कहूंगा कि बाल्यकाल में ही हमें जो परिवार से मिलना चाहिए था पिताजी की कक्षा 7 में ही निधन हो गया था और घर के हालात भी बहुत खराब थे और जो आज मैं प्रेरणा की बात कर रहा हूँ जैसे सचिदास शाह जी हमारे ललित चौधरी जी और हमारे सनी जोशी जी ऐसे कुछ अच्छे लोग मिले जिसकी वजह से आज हमारा जीवन सफल है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जिस पालिका में मेरे माताजी और पिताजी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम किया तो आज मुझे वहाँ पालिका अध्यक्ष के रूप में मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ कि
अगर छोटे मोटे दुख आते हैं ये सब ऊपर वाले की रीति की हुई है, मगर अगर युवा के अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो, क्योंकि हमारे ऊपर भी किसी का हाथ नहीं था, माताजी पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए थे, और कहीं ना कहीं अगर हमें कहीं ना कहीं मुझे संरक्षण देने का काम किया है, मुझे सही राह दिखाने का काम किया है, तो शहर के ऐसे ही लोगों ने जो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ कि युवा ये ना सोचें कि उनका कोई नहीं है, अगर उनका कोई है समाज में भी अच्छे लोग हैं, और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए प्रत्यक्ष में उदाहरण हूँ कि मुझे सत्यलाल शाह जी ने राह दिखाई, मुझे सनीत जोशी जी ने राह दिखाई, मुझे में कई सुबोध चंद्रला जी हैं हमारे एफ सी, तो ऐसे कहीं ना कहीं युवा साथियों ने हमारा मार्गदर्शन किया, कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन के रूप में मुझे प्रोत्साहित किया, और आज मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला, तो मैं ऐसे में उनको कैसे भूल सकता। मैं आज भी चाहता हूँ कि हमारा शहर मिलजुल के रहे और हमारे शहर में हम सब मिलजुल के इन विकास कार्य करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि शहर मात्र 11 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के, और ठीक 11 किलोमीटर दूर ही यहाँ से विकास भवन है जहाँ से विकास की सारी योजनाएं बनती है, मगर हमारे शहर में कहीं ना कहीं जो विकास का विकास में आगे बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पाया। आज एक माहौल है कहीं ना कहीं सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी, चाहे हम हो, तो इसमें सबकी सोच एक ही है कि हमारा शहर कैसे विकास से जुड़े। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लोगों ने मिलजुल कर ये सेवा का अवसर दिया, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी भी लोग घबराने लग गए, अब लोग भी कहते हैं घबराहट आने लग गई है कि जैसे हम, मैं आपको बताऊं दीपक भाई, जब हम छोटे थे तो हम स्कूल से भागते थे तो हमें पड़ोस के दादा से डर लगती थी कि ये हमारे घर में शिकायत, जब वो घर में हमारी शिकायत करता तो हमारे घर वाले कहते थे कि इसको अगली बार और मानना, और आज कहीं ना कहीं हमारी गार्जियनशिप में भी कमी आई है, जब कोई किसी के बच्चे के बारे में कोई किसी को बताता है तो वो उसको सीरियसली ले लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको ईगो से जोड़ लेते हैं कि ये मेरे बच्चे के बारे में क्यों कह रहा है, तो ये बात को भी माँ बाप को भी समझना होगा कि समाज के लोग तभी उस किसी से कुछ कहते हैं जिससे उसका कोई लगाव होता है। तो आज युवा पीढ़ी को नशे से मुझे बचाना है, नशे से हम सबको मिलकर बचाना है, नशा जहाँ तक शराब और चीज़ का था वो तो छूट जाता है, जो नशा अब ये चला है इसमें और ड्रग्स का, इससे कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी खोखल हो रही है, और मैं भी आज 51 साल का हो चुका, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए फिक्र है, जैसे मुझे अपने बच्चों को लेकर फिक्र है ऐसी मुझे शहर के बच्चों को लेकर फिक्र है कि हम उनको अच्छा माहौल दें, इसीलिए हमने लगातार खेल के क्षेत्र में भी काम करें, चाहे ओपन जिम हो, चाहे पार्क हो, चाहे कुछ किसी तरह भी अभी भी हम एक अच्छा पार्क और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर इस नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, और कहीं ना कहीं सब ने इस बात का डर निकालना चाहिए कि मैं क्यों कहूँ, अगर मैं इसके बच्चे के बारे में माँ बाप से कहूँ नाराज हूँ, कोई बात नहीं, माँ बाप नाराज होते हो, मगर उनके बच्चे के अंदर कोई कमी है, कहीं उनके दुर्भाग्य का, तो हमें बताना चाहिए। अंत में सभी को नए वर्ष की बधाई भी दे दीजिए अध्यक्ष जी। नव वर्ष की सभी शहरवासियों को, अपने जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की बधाई के साथ साथ हम परमपिता परमेश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में भी हम सब मिलकर, हम सब एकजुट होकर विकास में, सब एक सब हम विकास के लिए एकजुट रहें, इसी के